मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गुरुवार को मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक बन रहे फोरलेन सड़क निर्माण का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति को देखा। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ ओवरब्रिज से गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय तक पैदल चलकर ध्वस्तीकरण के कार्य का भी निरीक्षण किया और NH के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ध्वस्तीकरण का कार्य तेजी से कराया जाए, साथ साथ विद्युत लाइन के शिफ्टिंग के लिए डक का निर्माण भी तेजी से कराया जाए। उन्होंने चीफ इंजीनियर विद्युत को निर्देश किया कि डक के निर्माण होने तक अस्थायी रूप से लाइनों की शिफ्टिंग कर रोड निर्माण के लिए आने वाली बाधाओं को दूर कराया जाए, जिसे तेजी से निर्माण कार्य पूरा हो सके। इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण के रास्ते में आने वाले वाटर हेड टैंक को शीघ्र ध्वस्त कराया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, CO गोरखनाथ प्रवीण सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, टूटी NH कहाँ है सर? यहाँ से 11 मीटर तक नीचे कहाँ वहाँ तक है? अरे मैं विजेंद्र को तो पहचान ही नहीं पाया। अगर दूरी बना के रखे, चीज को सुनने में थोड़ा तेज आवाज है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें भाई, दूरी दूरी बनाइए, आप लोग दूरी बनाइए, दूरी बना के खड़े हो जाइए, एक दूसरे के 6 फुट कम से कम दूरी बनाइए आपस में। टोटल आपका यहाँ से कितना टोटल आपका 11 किलोमीटर? पूरा पूरा रोड का 22 किलोमीटर हमको अभी तो फिलहाल जितना डैमेज होता जाएगा और कम रात को रेस्टोरेंट करके चालू करेंगे। यहाँ पे लाएंगे सर, इसको डिवाइडर नहीं उतर ही रहेगा सर, टोल सिस्टम टोल के साथ साथ केबल पे ले आएंगे, मतलब टेम्परेरी केबल अपने अपने घर चले जाइए, काम करने वालों ना अपने पीठ लगा रहे। लेकिन आप ये सोच रहे हैं जब ये रोड बन जाएगी, ये ट्रैफिक वाला जो प्रॉब्लम है बन जाएगा। तीन मीटर का मतलब ये है कि वो पूरा घर आपका गया। ये जो 55 लाख की बात कर रहा हूँ, ये भी तो नाला है, घटक नहीं है, घटक नाला ही है, घटक
आबादी का अंदर है, इतनी मेहनत की गई है, यदि आप ग्रिल ले लेंगे लगाएंगे सारे अंदर डब्बा लेके आ जाएंगे। यहाँ लगाएंगे तो भी कब्जे में, यहाँ लगाएंगे तो काम कटिंग है ना सर, क्लियर हो गया बाहर कैसे आएगा। कई शहर ऐसा नहीं मिलेगा सर जिसमें रेलवे के नाम बाहर लगा दें, बट फुटपाथ चलने को मिल जाए, हर जगह फुटपाथ गिर जाता है, फुटपाथ तभी गाड़ी आएगी आपको
बेसिकली आप देख रहे होंगे जो जंगल कौड़िया मोहद्दीपुर हमारा रास्ता है, इसका चौड़ीकरण होना है। जिस फेस पर हम लोग खड़े हैं ये सबसे ज़्यादा घना एरिया होता है, लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं और इसलिए शासन का निर्देश है, शासन ने इसके फंड सैंक्शन किए हैं चौड़ीकरण करने के लिए, जिससे कि भविष्य की ज़रूरतों को रखते हुए क्वालिटी डक्ट नालियाँ और चौड़ीकरण रास्ता हो जाए। और उसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है और जो भी अतिक्रमण और जो भी बिल्डिंग्स आ रही थी वो नियमानुसार उनको हटाया जा रहा है। आप लोगों के सहयोग से इसको शीघ्र पूर्ण किया जाना है क्योंकि हमें बरसात का सीजन भी आ रहा है, उससे पहले क्लियर करके ड्रेन का काम और ये काम आगे बढ़ाना है। तो यही प्रक्रिया चल रही है, जो भी इसमें कार्रवाई की जानी है हम अति शीघ्र करेंगे। देखिए वो सारी विधिक कार्रवाई है, लोगों को मुआवजा दिया जाता है, भवन का दिया जाता है, भूमि का दिया जाता है और उसमें एक दो यदि कुछ शिकायतें हैं उसका हम निस्तारण भी करते हैं। ये सारा फंड पूरा ट्रांसपेरेंट है, नियमानुसार जिसका जो प्राप्त है वो हम देंगे, लेकिन ये कार्रवाई भी साथ साथ चलती रहेगी जिससे कि हमें कोई ना हो। कई लोगों को एस्क्रेशिया जो भी पेमेंट किया जाना था वो किया गया।